एक ऐसी ही कमजोर कहानी मैं इस उत्तर प्रदेश की आपको दिखाने आया हूँ। इसके ठीक पीछे वो घर जो जर्जर स्थिति में है, कब गिरेगा, कब उसके नीचे दब के एक दो लोग मर जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इनकी स्थिति देखिए, इनकी हालात देखिए, ये किस नज़र से या फिर किस चश्मे से देखने से आपको अमीर नज़र आते हैं, किस चश्मे से देखने से ये आपको कुपात्र नज़र आते हैं, किस चश्मे से देखने से ये आपको हकदार नहीं नज़र आते। तूफान आता है तो पेड़ के नीचे चलता है, गिरता है तो बगल हो जाते हैं, लेकिन मकान हमारा चला जाएगा तो साहब उसमें बच नहीं सकते, निकल नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, आप dilankadehan.com देख रहे हैं और मेरा नाम है आकाश सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, सारी पार्टियां दमखम लगाकर चुनाव लड़ रही हैं, नेता लोग ज़मीन पर खूब प्रचार कर रहे हैं। आइए मैं आपको आम लोगों की ज़िंदगी दिखाता हूँ। विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन है यह जानना बेहद ज़रूरी है। सरकार क्यों बननी चाहिए, या कोई मुख्यमंत्री क्यों बनेगा, कोई विधायक क्यों बनेगा, कोई सांसद क्यों बनेगा? इसलिए बनना चाहेगा कि वो आम लोगों की ज़िंदगी बदल सके। उनकी ज़िंदगी नहीं, जिनकी ज़िंदगी पहले से ही बेहतर चल रही है उन्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें कामकाज देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मौका देने की ज़रूरत नहीं है। मौका देने की या फिर कामकाज देने की ज़रूरत है तो आम लोगों को, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, दलित लोगों को, पिछड़े लोगों को, कमज़ोर लोगों को। एक ऐसी ही कमज़ोर कहानी मैं इस उत्तर प्रदेश की आपको दिखाने आया हूँ। ये प्रयागराज ज़िले का हरिबानपुर गांव है। मेरे साथ ये दादाजी, दादाजी के ठीक पीछे ये पन्नी वाला इनका एक छोटा सा मणि कह सकते हैं, इसके ठीक पीछे वो घर जो जर्जर स्थिति में है, कब गिरेगा, कब उसके नीचे दब के एक दो लोग मर जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। बारिश होगा, पानी टपकने लगता है, अंदर रहना मुश्किल हो जाता है। इनकी स्थिति देखिए, इनकी हालात देखिए, ये किस नज़र से या फिर किस चश्मे से देखने से आपको अमीर नज़र आते हैं, किस चश्मे से देखने से ये आपको कुपात्र नज़र आते हैं, किस चश्मे से देखने से ये आपको हकदार नहीं नज़र आते हैं एक आवास के लिए। सरकारी आदमी आते हैं, देख के चले जाते हैं, प्रधान जी आते हैं, देख के चले जाते हैं। समय बीतता रहता है, साल दर साल, पाँच साल आता जाता रहता है, प्रधान बनते बिगड़ते रहते हैं, नेता लोग आते जाते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है आम लोगों का जीवन, ऐसे लोगों का जीवन, हम सब का जीवन। क्या नाम है आपका? केदारनाथ। क्या स्थिति है केदार जी? साहब स्थिति हमारे साहब बहुत ख़राब है। बताइए कुछ अपने बारे। अपनी स्थिति साहब, न कोई कमाने का, न कोई खाने का कोई ठिकाना नहीं है, न कोई घर का ठिकाना है, लड़का बच्चा का कोई ठिकाना नहीं है साहब, गरीब तो गरीब साहब, न कोई खेती है न कोई गाड़ी है। घर की स्थिति कैसी है? घर की स्थिति तो साहब बहुत बर्बाद हमारा है कि कोई रह गए घर में उलियाना मुश्किल हो जाता है, बहुत डर भय लगती है, लेकिन क्या करें, मजबूरन उसमें कौन तरीके से गुजर करता है। रात भर नींद आती है कि नहीं आती है? रात भर नींद नहीं आती इस घर में आपको? हाँ साहब, रात भर से है साहब, घर में नींद नहीं आती, हमेशा चिंता लगा रहता है। तो घर आपके पास है नहीं? घर है जो उसकी हालत बहुत जर्जर है। बहुत तो बारिश जब होती है या तूफान आता है तो कैसी स्थिति? स्थिति साहब घर की बिल्कुल बाहर निकल जाए थे, पेड़ तरह रह ले थे साहब। जब तूफान आता है तो पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे आ जाए साहब, कि पेड़ सही चलता है, गिरता है तो बगल हो जाते हैं, लेकिन मकान हमारा चला जाएगा तो साहब उसमें बच नहीं सकते, निकल नहीं सकते। हमेशा डर और भय में जी रहे हैं? डर भय हमेशा लगी रहते हैं साहब। आप क्या कमाता धमाता है? तो कमाता है आपका? कमाता साहब इस किसी से बहुत ख़राब, दमा की बीमारी, गैस की बीमारी से हमने मजबूर हो गए कि आज चार पाँच साल से साहब बिल्कुल बैठी बैठक लग रही है। कितने परिवार में कितने लोग हैं आपके परिवार में? साहब हमारे चार हैं, सात आठ प्राणी रही साहब, छोटा से बड़ा से लेके सात आठ लोग हैं। हाँ साहब, राशन वासन मिलता है हर महीने? राशन साहब हर एक बस है, हमारे लड़के का एक बहू सुन है और बाहर की तरफ केवल दो ही प्राणी का राशन मिलता है, बस सबका राशन नहीं मिलता, किसी को राशन नहीं मिलता साहब। आधार मांगता है साहब, आधार हमारे लड़के जो है अपने लड़के बच्चे को नहीं बनवा पाया, हमारे पास बनवाने की स्थिति नहीं है,
वो लड़का हमारा नहीं बनवा रहा है, राशन नहीं मिल रहा है साहब। हाँ मतलब कोई सुनने वाला नहीं है? क्यों नहीं साहब, कोई सुनने वाला नहीं है साहब। हाँ न कोई प्रधान ध्यान दे, न कोई लेखपाल ध्यान दे, न कोई नायब तहसीलदार, न वीडियो के कोई ध्यान नहीं देते, न कोई मौके पे आऊँ भाई देखते कि चला जाए फिर पीछे के लौट के पाचे न देखे। वोट दे, वोट मांगने सब वोट मांगने के लिए तो साहब कह रही हर पार्टी आती है, वोट दे, वोट में लालच भी दिखाते हैं कि कोई उनका कौन तरफ ना बदलाई है, वोट में लालच भी दिखाए हैं, 10 रुपया हमका दे के वोट ले ले ही, चाहे प्रधान हो चाहे विधायक हो, 10 रुपया का लालच दे के लालच देते हैं, पैसा का लालच दे के वोट ले ले ही, तो हमका लग ही चाहे बाद में हो 10 रुपया जो दे रहे तो 50 रुपया उसका शुरू करे लागत। उम्मीद कुछ है? कोई उम्मीद नहीं है सर, कोई उम्मीद नहीं है। मजबूर है साहब, मजबूरी अपन झेलत है, क्यों सुने तू न सुने तू का करी, आवाज़ में देख के चला जाती, कहबो करी तो कहीं हाँ 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 कही थी, बस ओके बाद अपन बिछड़ जाती। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जिस तरीके से दादाजी बता रहे हैं कि लोग आते हैं देखते हैं और देखने के बाद हाँ हाँ करके चले जाते हैं, तो ये हाँ हाँ का किस्म चल रहा है, लोग आते हैं 10 रुपये 20 रुपये पकड़ा के निकल जाते हैं और वोट ले लेते हैं, और फिर दादाजी कह रहे हैं उसके बाद उसका 4 गुना 6 गुना वसूलना है इनकी। बताइए दादी जी आप क्या कहना चाहते हैं? लाइन लगा दिए साहब, नहीं नहीं पावते जलावे की कोई चंद हाथ लाइटो नहीं है आपके, लाइट नहीं है आपके पास, कौन तरीके से करवाई दी है, लेकिन गाड़ी यहाँ तक तार ना आई आवाज में, 20 मीटर तार जाइए छोड़ गई आज बस हम बुढ़ा पाए कहाँ पाए देखा था हम छोटे कहाँ पाए खाई भी नहीं लगा करी। बिल चाहे सबके लाइट के बिल चाहे आपके लगे खाई के नहीं बा, बिल कहाँ से आती है? लाइट वही चार यहाँ प्रधान के नियम ही है कि गरीब के लगे आके 500-1000 रुपया लालची दिखा के वोट ले लेते हैं, वोट ले के फिर दोबारा ये एरिया में दिखाते नहीं। आप इनको जानते हैं? हाँ, मेरा घर बगल में है। कैसी स्थिति है माता जी? बहुत बेकार है, खाने बिना नहीं जुआता है यहाँ, देख लो ऐसे है, ऐसे पूरा मरी हो रही सब टूटा है, ऐसे रहती है, कब मर जाए कब नहीं पता नहीं है, कोई गाँव में सुनने वाला कोई नहीं, प्रधान जी है तो अपना बना रहा है, गरीब के देख नहीं रहा है, कोई देखने नहीं, कोई नहीं देखता। तो दोस्तों स्थिति तो बहुत दयनीय है, हालत बहुत दयनीय है, ऐसी दयनीय स्थितियां मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि बात आला कमान तक पहुंचाई जाए।